सब ऐसा कुछ ऑफ रोड है। फॉक्स मतलब टाइगर दिखा था, कहाँ पे दिखा था ये? ये भी होते हैं। अच्छा आजकल तो रिसेंटली रात में बहुत दिख रहा था टाइगर। टाइगर कहाँ पे? यहाँ से मोहन से थोड़ा ऊपर, मोहन से इस वाली रोड पे। अच्छा क्योंकि अभी दो तीन जनों को मार भी दिया हमने। कहाँ मारा? मोहन पे। कब? एक तो परसों मार रखा है। अभी कहाँ मारा है यार, अभी कोई खबर थोड़ी आई है मारने। नहीं परसों ये आपका वहाँ से जो मरचला रोड जा रही है। अभी मारा नहीं बोल सकते ना, अभी कोई बॉडी नहीं मिली उनकी। और ले तो गया उठा के। अब वो बाइक लॉक करके गए हैं यार। नहीं हाँ मैं सुनाई में था कि उठा के लेके टाइगर। नहीं नहीं सर, जैसे आपके वहाँ तो बच्चे दूर दूर से आते होंगे। सर यहाँ एक ही दूर है ना, एक ही गाँव है। हाँ बाकी यहाँ अच्छा यहीं के ही होंगे। हाँ, ज्यादा इसके आसपास में कोई गांव नहीं है। हाई स्कूल वाले दूर से आने पड़ते हैं। नहीं वो भी एक ही गांव के हैं। अच्छा एक ही गांव से। कितने बच्चे हुए? 59 हमारे हैं, इनके लगभग 50 हमारे वहाँ पे। तो उन लोगों को सिखाते हैं मतलब कैसे जानवरों के बीच में बच्चे या फिर ऐसे करके? तो जैसे वन विभाग वाले आप लोगों को ड्यूटी से पहले कुछ देते हैं इंस्ट्रक्शन? नहीं 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 कुछ नहीं, नहीं। सर ये बीच में मोहन गेट पर ही मतलब हर किसी को देते हैं, जैसे बाइक वाइक वालों को नहीं जाने देना। हाँ 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 इस टाइप से जब बीच में कुछ घटनाएं हुई थी ना। अच्छा तो यहाँ पर फिर विभाग वाले मतलब सिक्योरिटी कर रहे थे। तो गाइस अभी हम पहुंचे हैं इस जगह में जो कि मोहन के पास वाला ही क्षेत्र है, और हमें पता नहीं था यार बिल्कुल कि मतलब ऐसी भी कोई जगह है यहाँ पे। तो ये सारे इनसे पूछते हैं भैया कहाँ से आए आप लोग। अरे भैया कहाँ से है ये ऊंट, कहाँ से आए? बीकानेर से। बीकानेर से आप लेके? कैसे लेके आए हो? बीकानेर से कैसे लेके आए हो? गाड़ी में आते हैं बड़ी। अरे तो यहाँ अलाउड है ये? अलाउड है। बाइक से? ऐसे रुको मत, यहाँ पे वो है टाइगर का भी खतरा। ओम नमः शिवाय, जय श्री भोले शंकराय नमः, शांति नमः, शांति नमः, शांति नमः, जय श्री भोले बाबा की जय जयकार हो, श्री भोले शंकराय नमः। Hey guys, welcome back to our YouTube channel Wildlife Diesel। मैं आपका फ्रेंड एंड होस्ट दीपांक खुल्लू स्वागत करता हूं आप सभी का आप लोगों के YouTube चैनल Wildlife Diesel। तो दोस्तों आज की शुरुआत मैं अपने कैफे से कर रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि हमारा एक वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी थीम पे बेस्ड कैफे, आपको ये दिखाता हूं और उसके बाद जो हम जाने वाले हैं वो भी लोकेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आप तब तक ये देखिएगा जो हमारा थीम है वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी थीम है। और तो यहाँ हमने सारी कॉन्टिनेंट वाइज वर्ल्ड वाइड जितनी स्पीसीज है बर्ड्स है जो वहाँ की फेमस है तो वो हमने यहाँ पे शो कर रखी है। और बाकी ये कुछ मेरे फोटोग्राफ्स हैं। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये तस्वीरें मैंने खुद से क्लिक की है। डिस्कवर्ड किया जिसका नाम डोजा रखा, तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में कभी बताऊंगा अच्छे से। तो काफी न्यूज आर्टिकल में भी इसकी डिटेल्स आई है। और बाकी आज मैं आपको लेके जाने वाला हूं मरचुला की तरफ, मोहन की तरफ। और वहां पे अभी एक लेटेस्ट इंसिडेंट भी आप लोगों ने सुना होगा। तो अभी हम रामनगर की तरफ पहुंचने वाले हैं और आज मेरे साथ है अपना फ्रेंड कुलदीप। हाय गाइस। और बाकी आपको रामनगर की तरफ हम लेके चल रहे हैं। हमारे वहां से मतलब एक घंटे का सफर है रामनगर पहुंचने में मेरे घर से।
और यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा सफारी गाड़ी दिखने लग जाएगी। और सफारी गाड़ी का यह है कि मतलब यहाँ पे एक जोन है सीतामढ़ी, तो अगर आप लोग बिना परमिट के लिए आए और आप बोलेंगे जिम कॉर्बेट जाना है तो कई बार आपको सीतामढ़ी भी लेके जाया जा सकता है। मतलब टाइगर साइटिंग तो वहाँ भी होती है, ऐसा नहीं कि वहाँ टाइगर नहीं है, लेकिन वो कॉर्बेट के अंतर्गत नहीं आता है, वो रामनगर फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। और हम जा रहे हैं मरचूला की तरफ, तो रामनगर जैसे क्रॉस होता है तो हम आपको वो लोकेशन भी दिखाएंगे। और बाकी देखो आज क्या रहता है हमारा। और अभी हम पहुंच गए हैं कोसी बैराज में, रामनगर को एंट्री करते हुए देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वाटर बर्ड्स आती हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स, जिसके अंदर जो फेमस है ब्राह्मणी डक, जिसे रूडी सेल डक बोलते हैं, तो वो हिमालय के अपरी लेक से माइग्रेट होके आती है। और ये आप देख सकते हैं कि लोग बाग लकड़ी लेके आए हैं, जिसके लिए मतलब इनको जंगल जाना पड़ता है, क्योंकि जो गांव के साइड होते हैं वहाँ गैस ज़्यादातर यूज होती नहीं है और अभी भी अपना खाना लकड़ी में ही बनाते हैं, तो उनको जंगल जाना पड़ता है। और ऐसे ही कई बार मैन वर्सेस वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं आमडंडा गेट, बिजरानी जोन के लिए जो रास्ता जाता है, बहुत ज़बरदस्त जोन है, आप लोग सफारी कर सकते हैं बिजरानी जोन में, जिसका रास्ता यहाँ की तरफ जाता है। और अभी हम निकल रहे हैं आगे सीधे मरचूला की तरफ, और यहाँ का जंगल फॉरेस्ट और वाइल्ड एनिमल और स्टोरी को फील करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यार दिन में विलेज वाले नॉर्मली लकड़ी लेके ऐसे बैठे रहते हैं, जबकि पूरा जोन ये टाइगर का है, दोनों साइड टाइगर रिजर्व है। और अभी हम पहुंचे हैं ढिकुली, यार मतलब यहाँ पे यार ऐसे अभी भी लोग बाग पता नहीं एनिमल्स को यूज करते हैं पर्यटकों के मनोरंजन के लिए, जो कि काफ़ी गलत है। तो ये सारे इनसे पूछते हैं भैया कहाँ से आए आप लोग। अरे भैया कहाँ से है ये ऊंट, कहाँ से आए? बीकानेर से। बीकानेर से आप लेके, कैसे लेके आए हो? बीकानेर से कैसे लेके आए हो? गाड़ी में आते हैं बड़ी। अरे तो यहाँ अलाउड है ये? अलाउड है। और खाते क्या है ये? चीला खाते हैं, चीला चोकर चना कुट्टी। और ये कब तक रहेंगे यहाँ? कब तक रहेंगे यहाँ? ये सब परमानेंट यहीं रहते हैं। अच्छा कितने सारे हैं ये? यहाँ पे 14 है। अरे बाप रे, एलिफेंट है, हॉर्स है, सब रखा है तुमने। तो ये सीन है गाइस, मतलब काफ़ी जगह मैंने देखा था कि लोगों ने यूज करना बंद कर दिया पर्यटकों के लिए, लेकिन अभी भी चल रहा है और हमारे जिम कॉर्बेट में चल रहा है इतने। और इस एरिया में पहले था गर्जिया जोन का गेट, जो कि शिफ्ट होकर ढिकुली से पहले चले गया है। तो जब हमने फर्स्ट सफारी करी थी गर्जिया जोन, जिस टाइम में खुला था 15 नवंबर को, तो हमने यहीं से एंट्री करी थी। और लेकिन काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी उसमें, क्योंकि बहुत पहाड़ और काफ़ी ज़्यादा मिट्टी है, तो गाड़ियों में भी दिक्कत आ रही थी, उस वजह से उसका रूट ही चेंज कर दिया। और इस बैंक से मतलब गर्जिया मंदिर के भी दर्शन हो जाते हैं।
यहाँ से रास्ता चले जाता है गर्जिया मंदिर की तरफ और यहाँ से जस्ट आगे सुंदर खाल विलेज स्टार्ट हो जाता है। तो बाघ प्रभावित क्षेत्र है, सावधानी बरतने का आदेश है। हालांकि दिन के टाइम में आप देख सकते हैं कि लोग बाघ से लेके सारे एनिमल्स बेखौफ हैं, किसी भी खतरे से पार हैं। और रात को यही माहौल कितना चेंज हो जाता है वो देखिएगा। और दिन के टाइम में ये देखिए हिरन यहीं पे घूम रहे हैं, 3-4 स्पॉटेड डियर हैं और इस साइड पे गाय है। तो यहाँ पे मतलब वाइल्ड एनिमल भी इतने हैबिचुअल हो गए लोगों के पास रहने के, जो कि सड़क के किनारे ही देखे जा सकते हैं। सुंदरखाल विलेज का लास्ट मैगी पॉइंट है और उससे सुंदरखाल विलेज खत्म होती एक कंस्ट्रक्शन साइट है और उसके बाद जो एरिया है आप लोगों ने सुना ही होगा, पनौत नाला, जो कि मैनेटर टाइग्रेस टाइगर और उसके कब्स की टेरिटरी है। और जगह जगह पेड़ों में यहाँ पे इश्तेहार दे रखे हैं कि बाघ प्रभावित क्षेत्र है, कृपया गाड़ी ना रोकें और उतरने की गलती तो बिल्कुल ना करें। दिन हो शाम हो सुबह रहो कभी नहीं उतरना भैया ऐसी जगह पे ना। साइड है, साइड भी कब से रुकी हुई है, बहुत टाइम हो गया है। अब देखो बारिश में भी यहाँ एक खतरा और बढ़ जाता है क्योंकि पानी का लेवल इतना आ जाता है ना, गाड़ी क्रॉसिंग में बहुत दिक्कत होती है। और काम अभी रुका ही है और एरिया भी ये मैनेटर टाइगर का है। तो टाइग्रेस, एक टाइग्रेस और लास्ट वीक एक टाइगर को तो ट्रायंगुलाइज कर लिया गया है और उसके बाद रेस्क्यू सेंटर में भेज दिया गया है। और अभी और इस एरिया से अभी मेल टाइगर को रेस्क्यू किया गया था। और आप देख सकते हैं कि इतनी सारी झाड़ियां हैं तो छुपने के लिए तो टाइगर के लिए भरपूर एरिया है और कहीं भी छुप सकता है। भाई सांबा डियर वहाँ पे सांबा डियर भी हैं दो। कैमरा निकाल ले एक बार, कैप्चर करते हैं उसको, छोटे भी है फोटो से बहुत सारे इधर हैं। तो ये सांबा डियर है और उसके बगल में स्पॉटेड डियर भी है, सांबा डियर भी है, इसके हम फोटोग्राफ्स लेते हैं बाइक से। ऐसे रुको मत, यहाँ पे वो है टाइगर का भी खतरा। और ये हमने कुछ फोटोग्राफ्स लिए सांबा डियर की। और दिन के टाइम में यार बाइक की भी मूवमेंट कॉमन है तो बाइक की आवाजाही पे कोई रोक नहीं है दिन के टाइम में, और जो रोक है वो इवनिंग के टाइम है क्योंकि यहाँ आगे काफ़ी सारे विलेजेस हैं, प्रॉपर्टी है, होटल है और कई सारे टूरिस्ट हैं। तो दिन में मूवमेंट लोगों की बनी रहती है बहुत ज़्यादा। वो था यार ईगल चेंजेबल। और ये एरिया एलिफेंट कॉरिडोर भी है
पीछे जो नहीं था जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी, हाँ वहीं पे होता दुकान। और आगे आप देख सकते हैं कि रिवर आती है, तो जो ये मूवमेंट रहती है एनिमल्स की इस साइड से जंगल से, कई बार यहाँ की तरफ भी मूवमेंट करते हैं। बेसिक नीड है पानी, और पानी के लिए क्रॉस करना ही पड़ता है। और बीच में ही आता है नेशनल हाईवे, और अभी काफी ज्यादा जैसे हम देख रहे हैं कि झाड़ी वगैरह काट दी गई है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब दिसंबर की बात करें तो काफी ज्यादा थी उस टाइम पे। और अभी ये देखिए, मतलब ताकि लोगों पे हमला ना करे ऐसे सडन और दूर से दिख जाए, तो ये भी एक लॉजिक हो सकता है। हमें यहाँ दिखा था पिछली बार टाइगर यार, हाँ यहाँ, हाँ रोड के बगल पे ही घात लगा के बैठा था। जो रात वाला वीडियो है, अंदर भी जाती है गाड़ी? हाँ। अंदर फॉरेस्ट वालों की, तो फॉरेस्ट वालों की गश्त के लिए अंदर के रास्ते भी ओपन है। जो प्राइवेट गाड़ी ले जाना गैर कानूनी है, परमिशन लेके जा सकते हैं, लेकिन परमिशन मिलती नहीं है ना ऐसे। तो ये पूरा एरिया है, दिन के टाइम में आपको दिखा रहा हूं, तो आप देख सकते हैं। उसके आगे ही धनगढ़ी गेट है जो डिकाला की तरफ जाता है, डिकाला गेस्ट हाउस। और वहां पे आप देख सकते कि जो हाथी है वो रात की फॉरेस्ट गश्त के लिए है। ना बरसात में मतलब क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आशा करते हैं कंस्ट्रक्शन भी जल्द से जल्द हो। और यहाँ पे कई जगह पे फायर है, जो कि आई गेस फॉरेस्ट फायर होगी, जो सूखी हुई घासें जो बड़ी हो रही है उसको जलाने के लिए। अभी हमारी बात भी हुई थी जस्ट, एक फॉरेस्ट के गार्ड हमें मिल गए थे, तो जो हम फायर की बात कर रहे थे वो फॉरेस्ट फायर है और वो देख रेख में हो रही है फायर, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। और बाकी जो अभी बात चल रही थी कि टाइगर ने अटैक किया एक और बाइक सवार पे, वो अभी तक तो कोई बॉडी वगैरह नहीं मिली है। और बाकी जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है मोहान से आगे की तरफ है आधा किलोमीटर, और वहाँ पे जो अभी है सीन वो ऐसा है कि मतलब बाइक प्रॉपर लॉक करके गए हुए हैं, वो अभी तक अपने घर पे नहीं पहुँचे। तो यही एक ही जांच पड़ताल चल रही है और ढूंढने की पूरी कवायद लगी हुई है। लेकिन यह कि टाइगर की आशंका इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने अपनी गाड़ी लॉक करी हुई है और जूते उतारे हुए हैं, और उसके बाद आसपास के एरिया में कोई भी निशान नहीं है, रगड़ने के निशान नहीं है, ब्लड निशान नहीं है, ब्लड का कोई भी सबूत नहीं है। तो ये नहीं बोला जा सकता है कि टाइगर का अटैक है, और जो कि मतलब अपने आप में एक
क्या कहें, मतलब वैसी टाइगर वाली नहीं है जो लग रहा था। एक चीज़ और ज़्यादा डरा रही थी, वो चीज़ नहीं है। बाकी अभी जब तक पूर्ण रूप से पता नहीं चल पाता क्या हुआ था, तब तक हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। और अभी हम पहुँचे हैं मोहान से जस्ट 2 किलोमीटर पहले, और ये एरिया भी टाइगर का है। तो यहाँ पे और ये आगे आप देख सकते हैं, वहाँ पे मोहान है, और ये पूरी शिवालिक रेंज है, और उसके बीच में कोसी रिवर। तो जो टाइगर की मूवमेंट होती है वो नीचे की तरफ भी होती है, रिवर साइड पे जाता है वो। तो ये हम पहुंच गए हैं गाइस मोहान। और जो यार मतलब जो सावधानी वाला इस तेहर जगह जगह पे दिया हुआ है ना, वो टूरिस्ट लोगों को आगाह करने के लिए हैं। बिकॉज मतलब जैसे जो यहाँ लोग रहते हैं, लोग बाग हैं, जो यहाँ के लोकल हैं, उनको पता है भली भांति खतरे का, तो वो ऐसे मिस्टेक नहीं करते कि मतलब उतरना कहीं भी ऐसे करके। लेकिन कई बार अक्सर क्या होता है ना, जो टूरिस्ट आता है, पर्यटक आता है, तो वो कई बार मतलब कि पार्टी वाले मूड से भी आते हैं, पार्टी वाले मूड से आते हैं। चलो ऐसा सीन होता है कई बार कि फ्रेश होने के लिए उतर जाते हैं जगह जगह पे, टॉयलेट आ जाती है, क्योंकि रास्ता लंबा होता है, कहीं पे भी वो तो आ सकती है। लेकिन कई बार ये एरिया भी होता है कि ऐसा भी होता है कि टाइगर क्षेत्र भी होता है वो। तो यार हम निकले ही थे मोहान से, तो यहाँ पे हमें लोकल कुछ मिल गए हैं, स्कूल में पढ़ने वाले। क्या क्या नाम है हीरो तुम लोगों के? मेरा भैया प्रियांशु, विशेष, संजय, दीपक। और दीपक, ये चारों लड़के हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 12th में, ये 12th में, ये 11th में। अच्छा, मोहान पढ़ने आते हो, वैसे कैसे आते हो, पैदल? ना आजकल रोड बन रही है ना इधर। अच्छा, कितनी दूर आगे बन रही है रोड मोहान से? कितनी दूर हुआ घर? ये कुमेरिया 7 किलोमीटर। अच्छा, कुमेरिया। और यार मुझे वहाँ जाना है, BTR ढाबा है कहीं? टोटामा आगे है सर, टोटाम से थोड़ा आगे। तो अभी तो यहाँ पे वो भी चल रहा है बाघ से। हाँ, कल परसों में हुआ था केस। क्या हुआ था? ये मोहन से उधर को जाती ना, हाँ, कोट को। हाँ, उधर दो बंदों को मारा सीन। दो बंदों, दो या एक, एक दो ही थे। हाँ, वो मिले तो भी नहीं है अभी भी। मारा तो नहीं कह रहा है, वो तो गाड़ी लॉक करके गए हुए हैं। बाइक बोला ये जा रहा है ना कि बाइक उनकी लॉक है। अभी मैंने पूछा था, वन गार्ड मिले थे, लापता है, मतलब कि ऐसा नहीं बोल सकते कि टाइगर ने मारा है। टाइगर का एरिया तो मोहन से पहले ही पहले चल रहा है वैसे भी। टाइगर इधर भी है, मतलब मैन ईटर वाला। हाँ। तो तुम लोग डरते नहीं हो? डर के आगे तो जीते है। मतलब कैसे सावधानी बरतते हो? पैदल नहीं निकलते हो गए कहीं? पैदल पहले जाते थे आप, जब शेर का डर हुआ तब से पैदल। अच्छा, और देखा तुम लोगों ने कभी किसी ने? ना ना, शेर मैंने देखा। किसने देखा है? दीपक ने? हाँ मैंने देखा। कहाँ देखा तुमने? अरे घर के साइड में देख रहे थे एक बार। टाइगर? हाँ। अच्छा, कितनी दूर से? यही 100-150 मीटर दूर। अच्छा, गाँव में जंगल से लगा हुआ है ना? हाँ, पूरा जंगल वही है, टाइगर का ही है। और हाथी वाती का रहता है इस साइड? ना, हाथी भी रहते हैं। हाथी आते हैं तुम्हारे वहाँ? हाँ, गाँव में भी आते हैं। अच्छा, कुमेरिया तक। ये किसका है यार, उसका है क्या? KMBM? हाँ, मोहान का कुमाऊं मंडल विकास निगम टूरिस्ट गेस्ट हाउस। चलो जी, बाय, थैंक यू। ओके, वेलकम वेलकम, फिर मिलते हैं। तो अभी हम यहाँ पहुँचे थे, यहाँ आप देख सकते हैं ट्री हाउस। क्या हुआ है, ट्री हाउस में AC भी है भाई।
आप क्या देख रहे हो जी? काफी सुंदर ट्री हाउस है। इस पे डेट लिखी हुई यार, लास्ट सीन ऑन द रोड, एलिफेंट दिखा था 22/4/2022, टाइगर दिखा था 27/8/22। भैया ये जब दिखते हैं उसकी डेट है, और फॉक्स मतलब टाइगर दिखा था, कहाँ पे दिखा था ये? ये भी होते हैं। अच्छा, आजकल तो रिसेंटली रात में बहुत दिख रहा था टाइगर। टाइगर कहाँ पे? यहाँ से मोहन से थोड़ा ऊपर, मोहन से इस वाली रोड पे। अच्छा, क्योंकि अभी दो तीन जनों को मार भी दिया हमने। कहाँ मारा? मोहन पे ही। कब? एक तो परसों मार रखा है। अभी कहाँ मारा है यार, अभी कोई खबर थोड़ी आई है मारने। नहीं, परसों ये आपका वहाँ से जो मरचुला रोड जा रही है, अभी मारा नहीं बोल सकते ना, अभी कोई बॉडी नहीं मिली उनकी। और ले तो गया उठा के। अब वो बाइक लॉक करके गए हैं यार। नहीं, हाँ सुनाई में था कि उठा के लेके टाइगर। नहीं नहीं, बाइक लॉक करके थोड़ी उठा के ले जाएगा यार, वो जूते उतार के गए, कोई निशान नहीं है, कोई खून का निशान नहीं है ना रगड़े का निशान है, तो ऐसा बोलना अभी उचित नहीं है यार। ये प्रॉपर्टी आपकी बहुत प्यारी है, क्या नाम है? द डैन जी। अच्छा, ये एसी में ट्री हाउस भी है जी। क्या है रूम का चार्जेस यहाँ पे? सर 8,000 से स्टार्टिंग है। 8,000 से सिंगल रूम जी। और ट्री हाउस तो बहुत महंगा हुआ। ट्री हाउस है तो 14,000 या 18,000 पर नाइट। अच्छा, ये रूम ही होगा उसमें या और कुछ भी है? जी सर, खाली रूम ही होगा उसमें। हाँ, ओनली रूम। और नाइट सफारी वगैरह भी करवाते हैं आप? नाइट सफारी नहीं होती है। नहीं होती ना नाइट सफारी, से आपको साथ वहीं होती डिगाला में। ये अपनी गाड़ी से ड्राइव कर सकते हो? हाँ। तो टाइगर दिख गया तो किसी को दिखा नहीं होगा आपके गेस्ट को? ये गेस्ट को दिखने वाली डेट है या नहीं? ये तो स्टाफ जो, हाँ स्टाफ काम करता है। अच्छा, चलो ठीक है जी, थैंक यू। अरे तो यार, हम उसी रिजॉर्ट के पास से एक रास्ता जा रहा था जो कि आई गेस ऑफ रोडिंग ट्रेल है, रिवर तक जा रहे हैं, तो देखते हैं हम भी आपको लेके चलते हैं गाइस ऐसे एरिया में। रिजॉर्ट के लिए रास्ते जा रहे हो भाई? उनके ये एक रिजॉर्ट के लिए जा रहा है रास्ता। कहाँ कहते कर रहे हो? वो लाइट फोटोग्राफी करने नहीं गए थे? अच्छा, हल्द्वानी। हाँ, किंग फिशर में ली थी हमें बिस्ट्रेट। ट्रैक तो तगड़ा ही दे रखा है बाबा इनने। तो गाइस, अभी हम पहुंचे हैं इस जगह में जो कि मोहन के पास वाला ही क्षेत्र है, और हमें पता नहीं था यार बिल्कुल कि मतलब ऐसी भी कोई जगह है यहाँ पे, वरना आप लोगों को बहुत पहले लेके आते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मतलब ये रास्ता जा रहा है, एक आगे कोई प्रॉपर्टी है, कोई रिजॉर्ट है उसकी तरफ जा रहा है, और वो रास्ता जा रहा है ऊपर जो हमने आपको प्रॉपर्टी दिखाई थी द डैन से, वहीं से ये रास्ता कटता है। हाँ जी, कैसी लगी आपको ये जगह? जगह तो बहुत बढ़िया है लोकेशन वाइज। तो मैं नाइट कैंपिंग करवा दें? नाइट कैंपिंग बिल्कुल हम कर लेंगे यहाँ पर। नाइट कैंपिंग में तो भाई पक्का भाग आया, पक्का। ऑफ रोडिंग के लिए बहुत बढ़िया जगह है। राधे कृष्ण राधे राधे राधे, जय भोलेनाथ की जय, कृपा हर हर महादेव, आय नमो श्री भोले शंकर, आय नमो, जय माता रानी की जय हो। भगवती मंदिर कौन सा है? ये बटकेश्वर महादेव का मंदिर हो भाई। चलो हम आते हैं। Yeah.
क्या पता इन जगह का नाम है ना, यहाँ के निवासी हम। अच्छा बड़केश्वर महादेव परिस्थान। अच्छा परिस्थान भाई। हाँ बड़े में तो कई चीज रहते हैं, परिका देवता का मंदिर हुआ है। अच्छा यहाँ के कोई हो नहीं पा रहा, जाकर यहाँ के कुछ करो तो क्या पता हो सकता है। यहाँ के अभी बनी भाग है ना लफड़ा में क्या। अच्छा मंदिर बनाने के लिए तो यार अभी हम कुनखेत से निकल ही रहे थे, तो यहाँ पे हमें सर और मैडम ने लिफ्ट लिया है। सर आप यहीं रहते हैं? रामनगर मैडम तो उधर रहती है काला डूंगी। अच्छा आप काला डूंगी जाएंगे? हाँ। अच्छा यहाँ ड्यूटी में आते होंगे। हाँ। और वैसे रेगुलर कैसा होता है जाना आपका? वैसे तो यहाँ पे बसों की सुविधा है लेकिन अभी थोड़ा सा ऊपर काम चल रहा है ना सड़क पे। अच्छा अच्छा उस वजह से बंद है। बाकी यहाँ कमरे होंगे आपके? हमारे कमरे में यही रहते हैं। अच्छा तो जैसे यहाँ पे तो वो भी है ना जंगली जानवर का खतरा बहुत ज्यादा है ना। हाँ। तो आप लोगों ने देखा कभी लेपर्ड देखे? मैंने दो। अच्छा लेपर्ड देखे दो? हाँ। पैदल हो गए तब आप? नहीं बाइक पे थे लेकिन लेपर्ड समझ के नहीं देखे। हाँ। लंगूर समझ के देखा दूर से। अरे तब डरे नहीं। इसी रास्ते में देखा होगा? हाँ, गर्जिया वाले ना। अच्छा गर्जिया वाले रास्ते। सर जैसे आपके वहाँ तो बच्चे दूर दूर से आते होंगे? सर यहाँ एक ही दो है ना, एक ही गांव है। हाँ बाकी यहाँ। अच्छा यहीं के ही होंगे? हाँ, बस ज्यादा इसके आसपास में कोई गांव नहीं है। हाई स्कूल वाले दूर से आने पड़ते होंगे? नहीं वो भी एक ही गांव के हैं। अच्छा एक ही गांव से। कितने बच्चे हुए? 59 हमारे हैं, इनके लगभग 50 हमारे वहाँ पे। तो उन लोगों को सिखाते हैं मतलब कैसे जानवरों के बीच में बच्चे या फिर ऐसे करके? तो जैसे वन विभाग वाले आप लोगों को ड्यूटी से पहले कुछ देते हैं इंस्ट्रक्शन? नहीं, 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 कुछ नहीं, 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 नहीं। सर ये बीच में मोहन गेट पर ही मतलब हर किसी को देते हैं, जैसे बाइक वाइक वालों को नहीं जाने देना। हाँ हाँ हाँ। इस टाइप से जब बीच में कुछ घटनाएं हुई थी ना। अच्छा यहाँ पर से विभाग वाले मतलब सिक्योरिटी कर रहे थे। तो गाइस हमने अभी जस्ट मासाप और मैडम को गाड़ी से उतारा है क्योंकि उनको जाना है रामनगर की तरफ, लेकिन हम लोग अभी मूव कर रहे हैं मरचुला वाली साइड। तो आज आपको लेके चलते हैं मरचुला भी। जीपीएस है देखिए, जो यहाँ का एरिया ना आपको दिख रहा होगा पूरा जंगल, बीच में रोड है और थोड़ी बहुत आबादी और दोनों तरफ घना जंगल। तो यार यहाँ पे कुछ मरे होने की तो बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है। और अभी आपको लेके जहाँ पे चल रहे हैं हम मंदिर के पास, तो वहाँ पे वो इंसिडेंट हुआ था। तो भाई साहब ऐसा कुछ ऑफ रोड है, गाँव ही है। भाई साहब यहाँ पे रिजॉर्ट है इतने अंदर तक, तो बहुत ही बड़ा रिजॉर्ट है लेबुआ। लेबुआ आप लोगों ने सुना होगा तो